ओके अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मीनिंगफुल। आपको इन स्टेटमेंट्स में कुछ ऐसा फिलअप करना है जो ये स्टेटमेंट्स मीनिंगफुल हो जाए, राइट। तो हमने ट्राइंगल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, तो हम उन्हीं के बेसिस पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको फिलअप करते हैं। अ ट्राइंगल हैज़ डैश साइड्स, डैश वर्टिसेस एंड डैश एंगल्स। एक ट्राइंगल्स में कितने साइड्स, कितने वर्टिसेस और कितने एंगल्स होते हैं। तो देखिए ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो इसमें देखिए कितनी साइड्स हैं। इट हैज़ थ्री साइड्स, थ्री वर्टिसेस, ये जो कॉर्नर्स हैं थ्री वर्टिसेस, और उसके बाद एंगल्स के ये जो निशान लगे हुए हैं, राइट। सो तीन ही साइड्स होते हैं, तीन वर्टिसेस होते हैं और तीन ही एंगल्स होते हैं। सेकेंड वन इज अ ट्राइंगल हैज़ डैश पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं ट्राइंगल के? सिक्स पार्ट्स होते हैं, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, ये ट्राइंगल्स के पार्ट्स कहलाए जाते हैं। उसके बाद अ ट्राइंगल हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल्स मोर देन अ राइट एंगल इज नोन एज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल्स की क्लासिफिकेशन देखी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट क्लासिफिकेशन अगर तीन एंगल्स में से एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हुआ, राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, तो अगर तीनों में से एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हुआ तो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल इट्स एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल। राइट एंगल आपको जानना ज़रूरी है, राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो अगर सारे एंगल्स उसके 90 डिग्री से कम है तो ऐसे ट्राइंगल को आप क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि लेस देन 90 डिग्री वाले एंगल्स को आप बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। और सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे तो उस ट्राइंगल को ही आप एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। उसके बाद है ट्राइंगल हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल्स एज राइट एंगल, अगेन राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, मीन्स अगर तीनों में से एक भी एंगल 90 डिग्री का हुआ तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे तीनों एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखिए तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल ट्राइंगल, वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री मेजर तो इसको आप राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं, और तीनों में से एक एंगल मोर देन 90 डिग्री है मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल है तो इस ट्राइंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल।